तो हेलो व्हाट्सअप गाइस, तो कैसे हैं आप लोग? आई होप कि सभी लोग अच्छे होंगे। तो गाइस मैं गाइस 2 दिन के बाद, 2 या 3 दिन के बाद ये वीडियो डाल रहा हूँ, क्योंकि बिकॉज गाइस मैं 2-3 दिन से थोड़ा बीमार चल रहा है। मेरी मतलब जो था रैंक पुश कर रहा था उस चक्कर में मेरी थोड़ी हेल्थ डाउन हो गई थी। तो गाइस इसी चक्कर में गाइस यूट्यूब चैनल पर अपने वीडियो मतलब थोड़े दिनों बाद आ पा रही है। तो गाइस अब से अपने यूट्यूब चैनल पर डेली वीडियोस अपलोड होंगी, डेली सुबह 8 बजे मैं अपलोड किया करूँगा। तो गाइस फटाक से गाइस जिसने भी चैनल पे, जो भी चैनल पे नया हो वो लाइक कर देना, वीडियो को लाइक कर देना, सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब कर देना, उसके बगल में जो घंटी वाला आइकन होता है उसको भी दबा देना। तो गाइस आज जैसे ही हम एक रैंडम मैच खेल लेते तो उसमें गाइस हमको अगर आपने अभी स्क्रीन पर देखा ही होगा तो आज भाई आपको पता चल ही गया होगा तो किसका किल आया था, प्रोमित भाई का किल आया था। तो गाइज इसी के साथ हम थोड़ा मतलब आगे बढ़ते हैं। तो गाइज मैं इधर देखता हूँ कि लेफ्ट साइड क्लॉक टावर में एक बंदा अपने टीममेट्स को रिवाइव कर रहा है, तो मैं फटाक से गाइज अपने टीममेट्स को बोलता हूँ कि फटाक से आ जाओ और इस बंदे को सबसे पहले लपेट लेते हैं अपने चंगुल में, मतलब इसको अपने टीममेट्स को रिवाइव नहीं करने देते हैं, इनको पकड़ के मारते हैं भाई पकड़ पकड़ के। तो मैं बोल रहा था हेल्प मी। तो गाइज जैसे कि आप लोग देख सकते हैं कि मैं अकेला मार रहा हूँ, मेरे टीममेट्स हमेशा पीछे रहते हैं, पता नहीं क्या दिक्कत है भाई इन लोग को। तो गाइज आपने हर वीडियो में देखा होगा भाई, मतलब क्या ही बोलो यार, सभी पीछे रहते हैं। तो गाइज इधर पेड़ के पास एक बंदा आया था, उसको मैंने हल्का फुल्का डैमेज दिया। उसके गाइज बाद गाइज हमारा एक बंदा पीछे जो है नोक हो गया था, ऋतिक स्टार भाई अपने नोक हो गए थे पीछे। तो गाइज मैं सबसे पहले बोलता हूँ इन लोगों को जोन में चलो। तो गाइज फटाक से हम फिर जोन में चलते हैं धीरे धीरे। तो गाइज जैसे कि आप देख सकते हो गाइज इतनी ज़्यादा हार्ड लॉबी थी गाइज, 32 अलाइव थे, इतना छोटा सा जोन और 32 अलाइव, भाई क्या ही बोलूँ भाई, इतनी हार्ड लॉबी भाई पूरी मेरी ज़िंदगी में ना आई। मेरे को तो भाई एकदम से धक धक हो रही थी क्योंकि भाई मैं था ग्रैंड मास्टर में, मेरे को तो भाई माइनस का डर था। तो गाइज अपने टीममेट्स तो गाइज क्या ही बोलूँ भाई, एक गाड़ी लेके आ रहा है, 2 बंदे पीछे आ रहे हैं। मैं भाई फिर जो क्लॉक टावर में जो बंदे रिवाइव किया था, जिस बंदे ने रिवाइव किया था वो लोग भी उधर से नीचे से आ रहे थे। तो गाइज मैं इन लोगों को बोला कि भाई थोड़ा साथ में रह के खेलो, तो गाइज ये सभी लोग साथ में आ गए। उसके बाद हम अभी आगे जाएंगे एल शेप की तरफ। तो गाइज अभी हमें नीचे की तरफ फायरिंग देख सकते हो आप मैप में, मिनी मैप में। तो गाइज अभी हम सोच रहे थे कि इन बंदों से फाइट लें। तो गाइज मैं उधर बंदे को वापस से हल्का 50 का एक फटका मारता हूँ अपनी वुडपैकर से, तो वो वापस कवर में चला जाता है ग्लू वॉल के, और मैं भाई वुडपैकर से उसको डाउन कर देता हूँ बॉडी शॉट मार के। तो गाइज मैप देख सकते हो आप कितना छोटा मैप है, और उसके बावजूद भाई 31 बंदे अलाइव, ऊपर से मेरा एक ही किल था। तो गाइज मेरे को किल निकालने पड़ने थे, क्योंकि गाइज अगर ग्रैंड मास्टर में हो आप और आपके किल नहीं है, 0 किल है, 0 डैमेज है, तो आपको प्लस नहीं मिलेगा। तो गाइज यही एक मेन दिक्कत है, मेरे को किल निकालने पड़ने थे। तो गाइज मैं भाई इधर बंदे स्पोर्ट करता हूँ, तो मैं एक एक दो दो गोली थोड़ा अपना डैमेज जो है डैमेज बढ़ाने की कोशिश करता हूँ। तो गाइज उसी के बाद मैं वापस अंदर आ जाता हूँ। मैं इन लोगों को भाई बोलता हूँ कि पहले जोन कवर कर लो भाई, क्योंकि मतलब अगर हमारे पास जोन होगा ना, ये देखो मैं बोलता हूँ सेफ जोन के लिए निकलो। और भाई प्रोमित भाई अपने जो है भाई बार 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 इतना ज़्यादा किल कर रहे हैं भाई, क्या ही बोलूँ इनके, भाई 10 के करीब 10 के ऊपर ही किल होंगे। तो गाइज अपने भाई ऋतिक स्टार भाई वापस पीछे नोक हो गए। मैं इन लोग को बोल रहा था जोन में आ जाओ ना भाई, कोई भी हमारी बात सुनते नहीं है। तो गाइज मैं जो है ना, मैं सबसे लास्ट वाला जोन देख लेता हूँ कि कहाँ पे बनेगा। तो गाइज मैं बोलता हूँ इन लोग को कि और मेरी बैटरी 10% रह गई थी। तो गाइज देख सकते हो गाइज मेरे को भाई 10% बैटरी में भी भाई वीडियो बनाने के लिए क्या कुछ नहीं करना पड़ता गाइज। फ़ोन की बैटरी 10% थी तब भी भाई मैं ये गेम निकालने की, बूया निकालने की पूरी कोशिश कर रहा था। तो गाइज उसके बाद हम नीचे जाते हैं, नीचे जाते की तरफ देख सकते हो गाइज उधर भी टावर पे भी स्क्वाड है भाई। देखो गाइज भाई भाई भयंकर तरीके से फाइट हो रही थी, टावर पे स्क्वाड थी। मैं उधर आगे जाने की सोचता हूँ, क्योंकि गाइज मैं सोचता हूँ कि इधर आगे जाके ग्रेनेड मार दूंगा। तो मेरे को इधर फुटस्टेप आते हैं, तो इधर मेरे को एक सिंगल बंदा दिखता है, तो मैं इसको मारने के लिए इसके पीछे भागता हूँ। कोरोनो मेरा गलती से वेस्ट हो जाता है। तो गाइस मैं इसको पीछे भागता हूँ, इसको मैं 42 का हेड मारता हूँ, 53 का एक बॉडी शॉट भी मार दो तब भी ये नहीं मरता। तो गाइस मेरा टीममेट जो है ना भाई भयंकर वाला किल चोरी कर लेता है, जो उसका नाम होता है यश बोस, ये मेरा किल चोरी कर लेता है। तो गाइस जैसे कि आप सभी लोग देख सकते हो, सामने से बंदा मेरे को क्रोनो लगा के मार रहा है, वेंडिंग मशीन की तरफ भी बंदे हैं। तो गाइस मैं सोचता हूँ कि वेंडिंग मशीन वाले बंदे को सबसे पहले धपाक धप्पा मार के मार दूँ। तो गाइस जैसे ही मैं इधर भाई भयंकर वाला डैमेज देता हूँ एक बंदे को गाइस,
करीब मैंने 4 गोली मार देता हूँ अपना क्या M10 से। तो गाइस मैं इधर नेड मारता हूँ, नेड से भी भाई थोड़ा सा डैमेज आता है। तो गाइस इधर एक बंदा रिवाइव कर रहा होता है तो मैं उसको फटाक से बूम करके डाउन कर देता हूँ शॉटगन मार के। तो गाइस मैं भाई क्या ही बोलूँ भाई, इतना ज़्यादा स्प्रे मारता हूँ अपना। तो गाइस देखो, अरे भाई भाई प्रोमित भाई को मैंने मार दिया शॉटगन से, जो मैंने बंदा नॉक करा था वो मैंने प्रोमित भाई को नॉक करा था। तो गाइस मैं उसके बावजूद भी एक और बंदा नॉक करता हूँ अंदर, बट तब भी भाई मेरे को उसका किल नहीं आता बिकॉज उसका टीममेट उसको रिवाइव दे देता है। क्योंकि और आप देख सकते हो मेरे टीममेट भी भाई 2 बंदे मर चुके होते हैं। तो गाइस ये यश बॉस जो है अकेला बचा होता है और मैं अकेला बचा होता हूँ। तो मैं सोचता हूँ कि सबसे पहले कि जोन सिक्योर कर लूँ और टावर के ऊपर बैठ जाऊँ, टावर के ऊपर से हाइट का एडवांटेज लूँ। क्योंकि मेरे को पता है अगर हाइट का एडवांटेज होगा और मेरे ऊपर कोई भी रश मारेगा मैं इजीली इजी पीजी मैं बूया कर दूंगा 1v4 में। तो गाइज अब भी आप सभी लोग देख सकते हो गाइज इतना छोटा सा जोन है और 15 बंदे अलाइव है, मेरे नीचे बंदे कोई ऊपर से बंदे मेरे को मार रहे हैं। तो गाइज मेरा भाई कसम से भाई दिमाग ख़राब हो गया था, मेरे को समझ नहीं आ रहा था मैं कहाँ जाऊँ करूँ क्या। तो गाइज इसके साथ मैं सोचता हूँ कि भाई इधर टावर पे आराम से शांति से बैठा रहता हूँ, कोई मगजमारी नहीं करता हूँ। तो गाइज आप मेरे पिंग को देख सकते हो, पिंग भी उसी टाइम पे हगता है भाई जिस टाइम पे गाइज अकेले मैच निकालने का टाइम रहता है। तो गाइज 120 का 130 का मेरा पिंग चल रहा होता है। गाइज मैं क्या बोलूँ, ना मेरे फ़ोन में बैटरी होती है ना मेरा पिंग चल रहा होता है। तो गाइज अभी देख सकते हो आप प्रोमित भाई वापस जिंदा होकर भाई वापस किल करने लग पड़े। भाई मैंने प्रोमित भाई को अभी मारा था, उसके बाद वापस जिंदा हो गए, उनके टीममेट्स ने उसको वापस रिवाइव कर दिया और भाई वो वापस मारना चालू कर दिए। क्या ही बोलूँ भाई, प्रोमित भाई को वापस मार दिया मेरे टीममेट ने, मेरे टीममेट ने उनके 2 बंदे मार दिए। मैंने ऊपर बंदा भाई इतना डैमेज देके नॉक कर दिया। तो गाइज ये दूसरा बंदा भी था वो भी मैंने पूरा डैमेज दिया उसको, भाई एक गोली का बचा था ये भी मैंने नॉक कर दिया। तो गाइज एक बंदा बचा था इनका भाई जो कि ये बंदा था, उस बंदे ने फटाक से भाई ग्लू गन लगा ली। तो भाई अब मैं क्या ही बोलूँ भाई, कितना भाई क्या ही बोलूँ भाई, मैं 2-3 बंदे को नॉक कर रहा हूँ भाई। इसको मैंने ओपी वाला हेडशॉट मारे वापस से डाउन कर दिया। इसका मैं किल लेने की पूरी कोशिश करता हूँ भाई, मेरा किल ही नहीं मिलता भाई। क्योंकि भाई मेरे को भाई 5 किल ज़रूरी होना चाहिए, क्योंकि भाई ग्रैंड मास्टर में किल करना इंपॉर्टेंट रहता है। क्योंकि ग्रैंड मास्टर में अगर आपकी किल नहीं होगी तो आपका प्लस नहीं मिलेगा। तो गाइज मैं उस नॉक वाले बंदे को मार देता हूँ, वो देखो एक और बंदा भाग रहा होता है उधर से। अभी भी गाइज इतना लास्ट जोन है, लास्ट सर्कल, अभी लास्ट श्रिंक हो रहा है और तब भी भाई इतने भाई कम बंदे अलाइव। ये प्रोमित भाई वापस आते हैं और प्रोमित भाई को मैं वापस डाउन कर देता हूँ। ये भूखे नंगे होते हैं, इनके पास कुछ नहीं होता है। प्रोमित भाई को वापस मार देता हूँ। भाई क्या ही बोलूँ भाई, इतने 6 बंदे अलाइव, लास्ट का जोन 6 बंदे अलाइव और अपने टीममेट्स भाई इतने भाई इतना भाई वो करते हैं, पैनिक करते हैं। तो भाई लास्ट के 4 बंदे बचते हैं और मैं अकेला बचता हूँ। भाई क्या ही बोलूँ, क्या ही गेम जा रहा होता है। उसको मैंने एक गोली मारी ऊपर वाले बंदे को 57 की। ये देखो ये बंदा जा रहा है, इसने वापस ग्लू गन मार ली। इधर मेरे को नीचे भी मेरा भाई फुटस्टेप आते हैं बंदे के, तो ये बंदा भी होता है साथ में। तो भाई मेरे को डर लगता है कि ये बंदा जो है ग्रेनेड ना मार दे साला, क्योंकि क्योंकि अगर इस बंदे ने अगर मेरे ऊपर ग्रेनेड मारा तो भाई मैं मेरा काम उधर ही तमाम हो जाएगा। तो भाई ऊपर बंदा आता है, मैंने फटाक से भाई शॉटगन से 2 गोली मार के डाउन कर देता हूँ उसको। उसके नीचे एक और बंदा आ जाता है भाई। अब भाई मैं इसको मारने के चक्कर में नहीं रहता हूँ क्योंकि मेरे को डर लगता है भाई, क्योंकि वो दूसरा बंदा ना रश मार दे मेरे ऊपर। उसको मार भाई, वो थोड़ा सा पीक दे रहा होता है, मैं सोचता हूँ कि इसको हेड मार दूँ बट हेड लगता नहीं है। मैं इसको नीचे वाले को गाइस क्रोनो लगा के फटा से 1 टैप मार देता हूँ, 2 गोली मार के 1 हेडशॉट मार देता हूँ। तो गाइस जब भी भाई 1v1 की सिचुएशन है तो गाइस क्या लगता है गाइस तुम्हारा भाई बूया कर पाएगा भाई लास्ट के बंदे के सामने? भाई मैं इतना पैनिक हो गया था भाई, क्या बोलूँ, एक गोली मार रहा था और वापस रिलोड पे रिलोड कर लिया था गलती से। तो गाइस इधर मैंने बॉनफायर चला दी, कुछ चल नहीं रहा था मेरे हाथ से। तो गाइस लास्ट में ये बंदा जो है एलिमिनेट हो जाता है और मैं बूया ले लेता हूँ। तो गाइस अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो ना प्लीज़ भाई एक लाइक कर देना, और अगर चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। अरे यार क्या ही बोलूँ भाई, लास्ट वाला बंदा मेरे को लगभग मार ही देता भाई, बहुत मुश्किल से उसको हमने मारा था। तो गाइस आज के लिए बस इतना ही, तो टाटा बाय बाय, गुड नाइट।